एक जून से प्रदेश में किसान आंदोलन होने जा रहा है। हालात न बिगड़े इसके लिए सरकार पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है, मगर इन सब के बीच सियासी जुबानी जंग भी जारी है। गृह मंत्री भूपेश सिंह ने प्रदेश में किसी भी किसान आंदोलन से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन तो कांग्रेस का है और जो लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे उन्हें कांग्रेस फाइनेंस कर रही है। देखिए, कोई किसान आंदोलन नहीं है, कांग्रेस किसानों के नाम पर ये कोशिश कर रही है कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़े और किसानों को गुमराह करके किसान आंदोलन किया जाए, परंतु किसानों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है और आंदोलन होते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ सरकार किसान आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ शांति रखने के लिए किसानों से बॉन्ड भी भरवाए जा रहे हैं। हालांकि मैसेज जब सरकार के खिलाफ गया तो अब कहा जा रहा है कि उन्होंने किसानों से कोई बॉन्ड नहीं भरवाए हैं। सरकार के द्वारा कोई इस तरह के बॉन्ड भरवाने के निर्देश नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन अगर कुछ कर रहा है तो हम लोगों की जानकारी में। वहीं आंदोलन के दौरान लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कतों का सामना ना हो, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी का दावा भी कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जनता को हर चीज मिले, समय पे मिले, उचित मूल्य पर मिले, इसकी सरकार चिंता कर रही है। अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जब जैसी परिस्थिति बनेगी वैसी बात करेंगे। संभावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना ठीक नहीं है। किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि हम मंदसौर में और पूरे मध्य प्रदेश में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसी से कोई बॉन्ड नहीं भरवा रहे हैं, जबकि एक मृतक किसान जो वहाँ जहाँ गोली से मारा गया था उसके परिजन से भी एक बॉन्ड भरवाया गया 25,000 रुपये का, और लगभग 2,500 बॉन्ड पूरे मध्य प्रदेश में भरवाए गए। 80 साल के बुढ़े आदमी से भी बॉन्ड भरवाया गया मंदसौर के अंदर, और उसके बाद भी गृह मंत्री को पता नहीं कि बॉन्ड भरवा रही है पुलिस। मंदसौर में किसान आंदोलन से सबक लेकर इस बार सरकार पूरी तरह फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 1 जून से किसान आंदोलन है, 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर राहुल गांधी भी आ रहे हैं। ऐसे में सरकार हर मूवमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए है। मंदसौर गोलीकांड से सरकार की छवि किसानों के बीच खराब हुई है, जिसे साफ करने में अब सरकार के पसीने छूट रहे हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।